हेलो एवरीवन, मैं अभिनव प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल नॉलेज शेयरिंग में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे हम मल्टीपल वर्कशीट्स पे एक समय पर काम कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज हाउ वी कैन वर्क विद द मल्टीपल वर्कशीट्स एट द सेम टाइम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेंगे। फाइन, तो देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले, मल्टीपल वर्कशीट्स के साथ हम काम करेंगे। तो देखो हमारा क्या शीट वन, ये हमारा एक्टिव शीट है। तो मल्टीपल वर्कशीट्स दैट मीन हमें एक से ज्यादा वर्कशीट्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नया वर्कशीट और नया शीट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हम यहां पर क्या नया शीट्स क्रिएट कर ले रहे हैं। तो मैंने कुछ शीट्स क्रिएट कर लिए। अब हमारा क्या है सिचुएशन वो समझिए। देखिए कि मैं एक क्लास का क्लास कोऑर्डिनेटर हूं और मुझे स्टूडेंट्स का प्रोफाइल का एक फॉर्मेट क्रिएट करना है। और ये जो फॉर्मेट है ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी यूज होगा, बट उसमें जो डिटेल्स होंगे वो आपका क्या होगा, उस रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स का डिटेल्स होगा, बट फॉर्मेट जो है वो सभी स्टूडेंट्स के सेम होंगे। तो एक तरीका क्या है कि आप मान लो इस शीट वन में आप फॉर्मेट क्रिएट कर लिए हैं और उसको कॉपी करके बाकी सीट्स में आप पेस्ट कर ले रहे हैं जहां जहां आपको रिक्वायरमेंट है। मान लो सपोज आपको चार स्टूडेंट्स का ही स्टूडेंट्स प्रोफाइल का फॉर्मेट क्रिएट करना है, तो आपने चार शीट्स ऐसे ओपन कर लिए और एक सीट में आपने फॉर्मेट क्रिएट किया और बाकी सीट में आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो वो काफी टाइम टेकिंग होगा। बहुत लोग जिन्हें नहीं पता होगा तो वो क्या करेंगे कि हर शीट्स में वो फॉर्मेट क्रिएट करेंगे, फॉर्मेट टाइप करके प्रिपेयर करेंगे, तो बहुत टाइम आपका किल कर देगा। तो इस चीज को आप अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए हमारा ये शीट वन एक्टिव है, मुझे स्टूडेंट्स का प्रोफाइल का फॉर्मेट क्रिएट करना है और वो फॉर्मेट सभी स्टूडेंट्स के सेम होंगे। तो मान लो मेरे क्लास में चार स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, चार वर्कशीट्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, प्रेस करूंगा कंट्रोल की और उसे होल्ड करके रखूंगा और मुझे चाहिए कितने, चार सीट्स चाहिए। तो हमारा शीट वन एक्टिव शीट है, आपका मैंने कंट्रोल की को प्रेस करके होल्ड करके रखा है। हम बाकी सीट्स को सेलेक्ट करेंगे, तो अपने माउस के कर्सर को मैं लाया सीट टू पर और लेफ्ट क्लिक करूंगा। तो देखिए हमारा सीट टू सेलेक्ट हो चुका है। फिर हम सीट थ्री एंड सीट फोर, तो अभी हमारा देखिए चारों सीट जो है ना मेरा वो हमने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल की हमने प्रेस करके क्या किया था, सेलेक्ट किया था। तो अब मेरा जो चारों सीट्स है वो ग्रुप हो चुका है। कैसे पता करेंगे ग्रुप हुआ है कि नहीं हुआ, आप देखिए यहाँ टाइटल बार है जहां पर आपका टिप्स एंड ट्रिक्स हमारी वर्कबुक का नेम है और यहां पर आप देखोगे स्क्वायर ब्रैकेट में आपको ग्रुप नजर आ रहा है। तो ये अभी क्या है कि चार शीट्स मेरे टेम्पोरली ग्रुप्ड हो चुके हैं। फाइन, तो अब अगर हम ये शीट वन में कुछ भी चेंजेस करेंगे, कुछ भी मैं टाइप करूंगा, ये देखिएगा बाकी सीट्स में भी आपका इफेक्ट करेगा और बाकी सीट्स में भी वो चेंजेस आपके दिखेंगे। तो मुझे क्या करना है, स्टूडेंट प्रोफाइल का फॉर्मेट क्रिएट करना है। तो मैं यहां पर लिखता हूं स्टूडेंट्स प्रोफाइल, मुझे इस स्टूडेंट्स प्रोफाइल में क्या क्या चाहिए, स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो मैं यहां पर नेम लिखता हूं, रोल नंबर होना चाहिए स्टूडेंट का, देन जो कोर्स में वो पढ़ाई कर रहे हैं उसका नाम होना चाहिए कोर्स, देन फादर्स नेम, देन मदर्स नेम, उसके बाद में एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, तो मैं चाहता हूं कि ये सब जो रिक्वायरमेंट्स है वो स्टूडेंट्स प्रोफाइल के फॉर्मेट में रहेंगे। मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूं। तो देखिए मैंने सीट वन में ये प्रोफाइल का फॉर्मेट क्रिएट किया। हमारे सीट टू, सीट थ्री, सीट फोर, ये चारों सीट्स हमारे क्या अभी ग्रुप है, वो हम यहां से चेक कर सकते हैं टाइटल बार से, दैट इज दे आर टेम्पोरली ग्रुप्ड। तो हमने जो सीट वन में प्रोफाइल क्रिएट किया था वो देखिए बाकी सीट्स में भी क्रिएट हो गया है। जब सीट टू पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपका यही प्रोफाइल यहां पर भी आपको दिख रहा है, सीट थ्री में भी आपको देखिए यही प्रोफाइल यहां पर भी दिख रहा है, सीट फोर में भी आप देखोगे तो प्रोफाइल आपका यहां पर भी क्रिएट हो चुका है। तो अगर आप देखो सीट वन में जहां पर हमने प्रोफाइल टाइप करके क्रिएट किया था, जो नेम है आप नेम बॉक्स में जाइए वो दिखा रहा है C4, तो इस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस क्या हो गया C4, तो C4 सेल में आपका नेम मैंने टाइप किया है। आप सीट टू में देखिए उसी सेल में आपका नेम यहां पर भी दिख रहा है C4 सेल पे। दैट मीन्स अगर हम जब ग्रुप कर देते हैं शीट्स को और अगर हम जो हमारा एक्टिव सीट है उसमें अगर हम कुछ फॉर्मेट या कुछ टाइप करेंगे तो बाकी सीट्स में भी आपका वो दिखेगा। जिस सेल में आप जो टाइप करिएगा बाकी सीट्स में भी उसी सेल में आपका वो सब चेंजेस आपको दिखेंगे। तो इस तरीके से आप
अगर कोई कॉमन फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप सपोज किसी 10 कंपनी का आप इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल भी सेम है, तो आप 10 शीट्स ओपन कर लीजिए, ठीक है, और उन 10 शीट्स को कंट्रोल की को प्रेस करके होल्ड करिए और बाकी सीट्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस जिस सीट्स में आपको वो सेम फॉर्मेट चाहिए, और आप जिस जो आपका एक्टिव सीट होगा उस पर आप फॉर्मेट को क्रिएट कर लीजिए। तो देखिए बाकी सीट्स में भी जो जो आपका सीट सेलेक्टेड है और जो सीट्स आपके ग्रुप है वो बाकी सीट्स में भी आपका सेम फॉर्मेट क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना टाइम को काफ़ी सेव कर सकते हैं और चीज़ों को आसानी से आप कर सकते हैं। जब ये आपका शीट्स जो है सीट 1, सीट 2, सीट 3 एंड सीट 4, ये शीट आपका भी ग्रुप है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है टाइटल बार पे, तो ये चारों सीट्स आपके टेम्पोरली ग्रुप्ड है, तो आप ये ग्रुपिंग को अनग्रुप करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए कि ये चार सीट्स के अलावा जो आपका बाकी शीट है जो आपका इस ग्रुप का हिस्सा नहीं वहाँ पर आप क्लिक करिए, या फिर आपका ये जो प्लस आइकन देख रहे हैं ठीक है न्यू शीट का, वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। तो क्या होगा कि आपके जो चार सीट्स थे वो अनग्रुप हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए आपके चारों सीट्स सीट 1, सीट 2, सीट 3 एंड सीट 4 आपके अनग्रुप हो चुके हैं, ठीक है। अब आप इंडिविजुअली जो भी आपको डिटेल्स भरना है शीट में, वहां जाकर आप रेस्पेक्टिव स्टूडेंट्स का डिटेल्स को भर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको इस वीडियो में मैंने जो टिप्स बताया है वो आपको समझ आ गया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आप इस वीडियो को पसंद किए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।